नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के सम्मान में दरभंगा में कर्णी सेना मैदान में उतर गई है। वहीं दरभंगा मेडिकल चौराहा पर कर्णी सेना ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजन किया। दरभंगा में कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर और जिला युवा अध्यक्ष सुधांशु सिंह के नेतृत्व में दरभंगा मेडिकल चौराहा कपूरी चौक पर संजय रावत और उद्धव ठाकरे का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सागर सिंह ने कहा कि मुंबई की जो सामंतवादी सरकार है वह जिस तरीके से अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और बॉलीवुड के कुरीतियों को उजागर करने के लिए एक भारत की बेटी कंगना रनावत को जिस तरीके से परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कर्णी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब समय आ चुका है दोषियों को सजा मिलने का, हर पर्दे से साजिश हटाने का। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संजीव सिंह, नवोज सिंह, आदित्य सिंह राठौर, अभिषेक सिंह सहित कई लोगों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। संगठन कर्णी सेना एवं क्षत्रिय महासभा के तमाम युवा के द्वारा, दरभंगा के युवा के द्वारा आज कर्पूरी चौक पे पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज भारत में जो बॉलीवुड है ये तमाम कुकृतियां कर रही है, वहाँ पे परिवार बात चल रहा है और गरीब का बेटा, बिहार का बेटा जब जाके वहाँ पे अपनी कलाकारी जगत में अपना नाम कमाता है तो उसको उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब उस हत्या के से साजिश हटाने के लिए वीरांगना हमारी महिला जब उसकी आवाज़ उठाती है कंगना रनावत जी, तो उनको पूरी तरीके से सत्ता में दूत और बॉलीवुड के संरक्षक, अभी जो कांग्रेसीवादी सत्ता और शिवसेना की जो सत्ता है और उसमें महिला के अपमान में जिस तरीके से संजय रावत जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग जिस तरीके के बयान और कुकृतबाजी कर रहे हैं, इसके खिलाफ संपूर्ण भारत में कर्णी सेना हर जगह मुंबई सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। इसीलिए आज दरभंगा में भी हमारे जिलाध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर और संपूर्ण हमारे सुधांशु सिंह, आदित्य सिंह राठौर एवं तमाम कर्णी सैनिकों के द्वारा पुतला दहन करके आंदोलन किया गया और आगे भी जारी रहेगा और आगे भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे भी अनवरत चालू रहेगा। जब तक